आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पासबुक की जो जानकारी होती है इसके अंदर कस्टमर की वो किस तरह पढ़ते हैं। तो ये जो पासबुक है SBI ने अभी इसको हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं जो इसका ऊपर कवर है बहुत ही आकर्षक लग रहा है देखने में। तो चलिए हम सीधे इसके अंदर चलते हैं। तो जैसे कि आप ऊपर से बाईं ओर देख सकते हैं जो पहले दिखाई दे रहा हो कस्टमर का नाम जिसका बैंक खाता है लिखा है मिस्टर राम सिंह और उसके नीचे लिखा है उसके पिता का नाम लाल सिंह और नीचे तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा CIF नंबर जो कि 11 अंकों का नंबर होता है। ये इसको CIF का फुल फॉर्म होता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, मतलब जितने भी आपकी जानकारी होगी खाते की और जितने भी आप बैंक खाते खोलेंगे SBI के अंदर चाहे वो करंट अकाउंट हो और चाहे सेविंग अकाउंट और उसके बाद कितने भी अकाउंट हो वो जितने भी अकाउंट होंगे और उनकी जितनी भी आपकी जानकारी होंगी वो सब इसी CIF नंबर के अंदर ही आएंगी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक आपकी फाइल बनती है बैंक अकाउंट बैंक में, तो ये इसका मतलब होता है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा अकाउंट नंबर, ये आपका 11 अंकों का नंबर होता है बैंक खाते का। उसके नीचे आपको अकाउंट टाइप दिख रहा होगा ये कौन सा अकाउंट है, रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है। तो इसके बाद आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा एड्रेस दिखाई दे रहा होगा केयर ऑफ लाल सिंह 18 पटेल नगर न्यू दिल्ली। तो ये कस्टमर का ही ये घर का पता है जो बैंक में अंकित है। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ईमेल आईडी जो कस्टमर की ही होगी यहाँ पे। और अब हम सबसे ऊपर चलते हैं, बीच में आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा ब्रांच जहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू दिल्ली मेन, मतलब ये जो बैंक खाता है वह नई दिल्ली की मेन ब्रांच में है। और उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा 11 संसद मार्ग, ये न्यू दिल्ली मेन ब्रांच का पता है। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ईमेल आईडी SBI.000691@SBI.co.in जे बैंक की ईमेल आईडी है। और उसके नीचे आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा बैंक का और आपको उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा IFSC कोड। तो ये जो IFSC कोड आपको दिखाई दे रहा है ये हमें मदद करता है पैसे भेजने में जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे स्थानांतरित करते हैं, मतलब जैसे हमें SBI से HDFC बैंक या किसी दूसरे बैंक में एक्सिस बैंक में पैसा भेजना है तब ये IFSC कोड वहाँ पर मदद करता है। तो इसका ये काम है। अब हम दाईं ओर चलेंगे, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कोड 691। तो ये SBI की नई दिल्ली की जो मेन ब्रांच है उसका जो ब्रांच कोड है। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा बिजनेस आवर्स 10 से 17, मतलब जो बैंक के आवर्स हैं यहाँ पे जो काम करने के आवर्स हैं घंटे हैं जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। और उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको MICR कोड। तो ये जो कोड होता है आपका ये आपकी चेकबुक में अंकित होता है, जब आप चेकबुक खोल के देखेंगे यही सेम MICR कोड आपकी चेकबुक में अंकित होगा। तो आपको नीचे कोड दिखाई दे रहा होगा MOP सिंगल, मतलब ये बैंक का जो बैंक अकाउंट सिंगल है या ज्वाइंट अकाउंट है। अगर ज्वाइंट अकाउंट होता तो यहाँ पर कस्टमर नेम के नीचे ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का नाम होता। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा अकाउंट ओपनिंग डेट, और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा नॉमिनी रजिस्टर्ड, उसका नंबर दिखाई दे रहा होगा नॉमिनी का। और उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा कस्टमर का पैन नंबर, आप देख सकते हैं आप कस्टमर का पैन नंबर लिखा है। और उसके और ये जो पासबुक इशू की गई है, मतलब ये वो तारीख दिखाई दे रही है जो जिस दिन पासबुक को बनवाया गया है 6/1/2022 को। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने उस पर चर्चा कर ली है। अब हम पासबुक के पीछे की ओर चलेंगे और देखेंगे पासबुक में पीछे की ओर क्या दे रखा है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की ओर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा, वहाँ पे दिखाई आपको दे रहा होगा लिखा है कृपया इस बारकोड स्टीकर यहाँ लगाएं। तो यहाँ पे आपका बारकोड स्टीकर लगाया जाएगा जहाँ पे आपकी पूरी जानकारी होगी। आप जब भी प्रिंट कराने जाएंगे वो आपको स्कैन करेगा और आपकी जानकारी पूरी आ जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा बैंक की पूरी जानकारी, टोल फ्री नंबर जिसके माध्यम से आपको कोई भी समस्या होती है तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे दाईं ओर भी जहाँ नीले से पूरा दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे पूरी बैंक की जानकारी आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, पूरे बैंक के फ़ोन नंबर ईमेल आईडी से लेके पता था यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हम थोड़ा पीछे के अंदर और चलते हैं, देखते हैं और इसके अंदर क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि जो पासबुक की जानकारी किस तरह पढ़ी जाती है और हम उसका किस तरह जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे इन जानकारी का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।